जब आपकी बोझो ना, ये हिस्ट्री में से हटा दिया मुगलों का इतिहास, हटा दिया जो एनसीईआरटी के किताबों में से, जब ये बच्चे एग्जाम देने जाएंगे बारहवीं में तो हिस्ट्री में से मुगल शासक कौन थे नहीं पढ़ाया जाएगा। पता नहीं, हम तो लाठी उलाक आदमी है। मैं तो अब की बात करो लाठी उलाक डायरेक्ट एकदम, मुगलों की बात मुगलों के टाइम में करो। अच्छा। या किसी टाइम से बोझो जो इतिहास पढ़ता हो देखता हो। सहमत है कैसे में? देखिए हम तो सहमत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हटा देने से तो कोई इसमें उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, और उन्हें हटा देने से कुछ मिल नहीं रहा है, और अलग सी चीज जोड़ देते हैं तो भी कुछ नहीं मिल रहा है। जो है वो चलता है और चलता रहेगा। आप क्या कहेंगे सर, मुगल शासकों का इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा? मुझे तो पता नहीं भाई। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको? अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं पढ़ा हूँ दीनी मदरसा से पढ़ा हूँ। मदरसे में पढ़े हैं आप? तो क्या मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता कि मुगल कौन थे, शासक कौन थे? ऐसा कुछ नहीं, मुगल का कोई नाम निशान नहीं मदरसे में। यानी मदरसे की शिक्षा में ये नहीं बताया जाता बाबर कौन था, अकबर कौन था? कभी नहीं, कोई किताब नहीं होगी। मदरसे में कोई किताब नहीं होगी कि मुगल कौन था, बाबर कौन था, या फलाना झुमका, उसका कोई लेना देना नहीं। मुगल से क्या मतलब? यानी मदरसे वालों को मुगल से मतलब ही नहीं है? मुगल मदरसों की किताब में मुगल का इतिहास नहीं? बिल्कुल नहीं, क्यों पढ़ाएंगे? इस्लामी पढ़ाई होती है, बाकी दुनियावी अब अशरीबी तालीम शुरू हो गई है। मुगल से मदरसे को क्या लेना देना? यानी आप मदरसे में पढ़े हैं, लेकिन आज ने आप तक ये नहीं पढ़ा कि मुगल में कुछ नहीं, मुगल तो बाबर कौन था, अकबर कौन नहीं, था, हुमायूं कौन था? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, चलिए, मदरसे में पढ़ाई बाबर अकबर की नहीं होती। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी, मुगल शासक का इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या कहना है? पहले तो पढ़ाया जाता था, अभी हटा दिया किताब। उर्दू में भी है, नहीं हटाना चाहिए ना? तो पहले के हैं, इस देश में बहुत पहले से उन्होंने हुकूमत किया है। जानते हैं किसी मुगल शासक का नाम आप? तमाम हैं, बाबर हैं, हुमायूं हैं, और अकबर हैं, जहांगीर हैं, अकबर जहांगीर हैं। ऐसे खत्म कर दिया, अब बारहवीं के बच्चों को मुगल शासक के बारे में नहीं बताया जाएगा कौन बाबर थे जो उन्होंने सवाल किया अभी, अकबर जानते हैं आप जहांगीर अकबर के बारे में? सुना है आपने? हाँ सुना है। अच्छा, अब लेकिन ये जो बच्चे बारहवीं की कक्षा में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में, ये नहीं जानेंगे कौन थे बाबर? जी जी, नहीं जानेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या क्या लेना उसे जान के? ऐसे भी कोई ऐसी लोगों से बस सुना सुनाई बात चलती है। वो तो पहले के शासक थे, मुगल थे, लेकिन आज जो हमारी हुकूमत है वो जो करेगी अच्छा करेगी, अच्छा करेगी। कोई नाराजगी नहीं है? क्या नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं। आपका क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार शरीफ जी। अच्छा, एक बात बताइए, बाबर अकबर हुमायूं को जानते हैं आप? जी नहीं। बाबर अकबर हुमायूं को नहीं जानते? जानते। अरे मुगल शासक थे, हमारे देश पर राज किया उन्होंने। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमने नहीं पढ़े भैया, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हैं। चलिए, ये जानते ही नहीं है बाबर अकबर हुमायूं को, नहीं पढ़े हैं। इधर कुछ लोग हैं समझदार, लोगों से बातचीत करते हैं। जानते हैं बाबर अकबर को? कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? नहीं पढ़ा मैं। मदरसे में भी नहीं पढ़ाई की? नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं की होगी तो? नहीं। तो बाबर अकबर इनका तो नाम सुना होगा? हाँ, नाम सुना। तो अब इनकी पढ़ाई नहीं कराई जाएगी? नहीं, हमने कोई पढ़ाई नहीं की इनकी। हा? हमने कोई पढ़ाई नहीं की इनकी, अकबर बाबर की। आपने कोई पढ़ाई नहीं? नहीं नहीं। अच्छा जी, बताइए आपसे मैं बात करूँ, मुगल शासक जानते हैं किसी को? किसी को नहीं जानते। चाचा आप तो उम्र दराज हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, दराइए जरा, ये मुगल शासक किसी को जानते हैं, मुगल शासक को आप? नहीं, हमारा क्या मतलब, हमें तो आप हमसे तो आपकी बोझो, हमें तो मुगल वालों से बोझो, मुगल की तो हमसे तो आपकी बोझो ना। ये हिस्ट्री में से हटा दिया मुगलों का इतिहास, हटा दिया जो एनसीईआरटी के किताबों में से, जब ये बच्चे एग्जाम देने जाएंगे बारहवीं में तो हिस्ट्री में से मुगल शासक कौन थे नहीं पढ़ाया जाएगा। पता नहीं, हम तो लाठी उलाक आदमी है। मैं तो अब की बात करो लाठी उलाक डायरेक्ट एकदम, मुगलों की बात मुगलों के टाइम में करो। अच्छा। या किसी टाइम से बोझो जो इतिहास पढ़ता हो देखता हो। पता नहीं हमें तो क्या मामला, तो आप सहमत है क्या? सहमत है? अब पता, हमें तो पता, जानकारी नहीं है तो हम इस चीज को कैसे बता दें सहमत है या ना सहमत है? जानकारी नहीं है, चलिए इधर बात करते हैं। आपका क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ जी, मोहम्मद हनीफ जी क्या कहेंगे, जो बाबर अकबर हुमायूं जहांगीर इनका इतिहास था यूपी में, इनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा भाई? ऐसा हटा दिया एनसीईआरटी की किताबों से? तो हटा दिया भाई, वो सरकार की मर्जी है, हमारी मर्जी है, किसी और मर्जी थोड़ी चलेगा।
हमारी मर्जी अब इनकम पब्लिक मर्जी थोड़ी चलेगा, अब सरकार जैसा चाहे वैसा कर रही है। सरकार कह रही है एनसीईआरटी किताबों में छपा है, हमने वो तो हम तो लागू कर रहे हैं, अब कर रहे करने तो उसको कोई हमारा जोर थोड़ी हम उसे हटा सकते हैं, वो तो उसकी मर्जी है, सरकार की सत्ता है भाई, सरकार जो चाहे वो करेगी। सरकार जुल्म तो नहीं कर रही कहीं? जुल्म किस बात कर रही भाई, हम सब जेल में जो कर रही, जो कैसे कर रही वो भी सही है, जो ना करेगी वो भी सही है भैया। हाँ ऐसा क्यों बोल रहा, ना करेगी क्या, जो करे वो भी सही है, जो ना करे वो भी सही है भैया। हमें दाल रोटी पहले मिला, दाल रोटी आज मिला, दाल रोटी मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूर आलम है सर। नूर आलम जी कहाँ के, बिहार के रहने वाले? सर हम यूपी के रहने वाले। यूपी कहाँ से जिले के? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के लड़का भी गोरखपुर का है जी जी। अच्छा एक बात बताइए, जहांगीर बाबर अकबर इन सबको आप जानते हैं क्या? जी सर, आप हमारे उस टाइम में पैदाइशी भी नहीं हुई, पैदाइश तो किसी की नहीं हुई थी, लेकिन इतिहास में नाम तो था इनका। वो सब आदमी नहीं बता सकता, जो पढ़ा लिखा है वही बता सकता, हम तो जाहिल लोग हैं, हम उतने ही जानते हैं बस, जो हम हमारे बनाया गया, हम अपने नमाज पढ़ेंगे, पाबंदी में रहेंगे। अब रही सरकार की बात, सरकार कहता है कि हम ये हटा देंगे तो वो सटा देंगे तो वो लगा देंगे, तो वो उनकी हाथ में है, अब वो कहेंगे। किताब जब होती है ना तो किताब में हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है जो इतिहास पढ़ाता है। हाँ। इतिहास के पन्नों से अब बाबर अकबर जहांगीर यानी जो मुगल शासक आए थे उनके पन्ने हटा दिए गए हैं, अब उनकी पढ़ाई इन बच्चों को नहीं कराई जाएगी, कौन बाबर था, कौन अकबर था, कौन सी पढ़ाई की जाएगी, यानी आपसे पूछते हैं सर जब कौन सी पढ़ाई की जाएगी, यानी सरकार ने सत्ता जो लिया आया तो क्या चीज पढ़ाई जाएगी? उन्होंने मानते हटा दिए, पिछले जमाने के जो बाबर जमाने के जो भी कुछ था हटा दिए, तो ये नए जमाने के बारे में हटा दिया, हिस्ट्री हटा दी उनकी, हिस्ट्री हटा दी, तो फिर इस दौरान जो अभी चल रही है तो इस टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे हम। लेकिन हिस्ट्री जो इतिहास जो था, इतिहास में से अब जो पुराने शासक थे, चाहे वो बाबर थे, अकबर थे, हुमायूं थे, ये इनका जो चैप्टर था इनका इतिहास की किताबों में से अब हटा दिया गया है, अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे कौन बाबर था, कौन अकबर था, कौन हुमायूं थे, कौन जहांगीर थे, इनका बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। सहमत है क्या सहमत है? देखिए हम तो सहमत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हटा देने से तो कोई इसमें उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, और उन्हें हटा देने से कुछ मिल नहीं रहा है, और अगर अलग सी चीज जोड़ देते हैं तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, जो है वो चलता है और चलता रहेगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं आठवीं तक पढ़ रहा। अभी आठवीं तक पढ़े हैं। एक बात बताइए, बारहवीं के बच्चों को हुमायूं अकबर बाबर का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? सहमत नहीं है, सरकार से सहमत नहीं है। ये जो मतलब मुगलों का इतिहास अगर हटा देंगे, मुगलों का इतिहास हटाने से राजपूतों का भी इतिहास उनको हटाना पड़ेगा। अब जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप से, तो क्या लिखेंगे उसमें, किसके साथ युद्ध हुआ क्या लिखेंगे? अब ये तो लिख देंगे वीरता से लड़ाई लड़े, किसके साथ लड़ाई लड़ी, उनका इतिहास जो राजपूतों का इतिहास एक ही है। अब वो जो उनकी जो रिश्तेदारी थी राजपूतों से, अब उन्होंने जो मतलब अब जब जब उनकी औरों से जो भी मतलब लड़ाई हुई, तो राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया, उनसे मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके साथ मिलकर लड़ाई। अब जब उनका आप हटा देंगे तो आप मान सिंह को भी हटा देना पड़ेगा आपको, आपको पता है। बड़े जानकार लग रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छे हैं, आठवीं पढ़े लेकिन जानकारी बहुत, जानकारी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुगल तो आक्रांता थे, इसलिए उनका इतिहास को क्यों पढ़ाना? आक्रांता क्या, आप मान ले चलो थोड़े बहुत जो बाहर से आए, लेकिन उनकी तो पैदाइश यहीं की थी ना, अकबर हो गया, उसका बेटा हुमायूं हो गया, उसके जो भी आने वाले शाहजहां हो, सब इंडिया में तो पैदा हुए। अब उन्होंने अकबर ने तो मतलब ये भी मतलब चलाया, दीन इलाही चलाया, दीन इलाही में ये उन्होंने नियम रखा कि मतलब सभी धर्मों को मानने की इजाज़त दे दी उन्होंने। अब यही तो सब है, उन्होंने सारे धर्मों को मानने की इजाज़त दी, और उससे पहले जो लोगों ने मतलब यहाँ मतलब लोगों पे जो जो भी जुर्म किए उन सबको मतलब हटा दिया, जो जो कर लगाए उनको, जैसे जजिया कर, जो तीर्थ यात्रा करने पर ज्यादा कर लगा रखा था वो अकबर ने हटाया। क्या कहेंगे आप, सहमत है क्या? सहमत है, अगर हटता है तो चैप्टर से असहमत है। असहमत है जी।